अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम बनाएंगे इफ्तारी स्पेशल कीमा समोसा। रेसिपी बहुत ही इजी एंड बहुत ही डिलीशियस है, तो चलिए आपके साथ भी रेसिपी शेयर करते हैं। तब तक जिसने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सो प्लीज़ टू सब्सक्राइब। तो देखिए यहाँ पर हम डाल देंगे 2 टेबल स्पून ऑयल, एंड ऑयल हमारा जैसे ही गर्म होता है उसमें हम डालेंगे 1/2 टेबल स्पून जीरा। जीरा को थोड़ा सा सोटे होने देंगे, उसके बाद में हम ऐड करेंगे कांदा। तो कांदा यहाँ पर मैंने कुछ आधा ही लिया था, और कांदे को हल्का सा फ्राई कर लेंगे। उसके बाद में हम डालेंगे कीमा। तो कीमा को यहाँ पर मैंने अच्छी तरीके से धो लिया है, एंड कीमे को हमें अच्छी तरीके से भूनते रहना है जब तक उसका पानी नहीं छूट जाता। तो देखिए यहाँ पर पानी छूट चुका है अभी, और यहाँ पर हम डाल देंगे मसाले। तो मसालों में हम डालेंगे 1/2 टेबल स्पून सॉल्ट, और 2 टेबल स्पून हम डाल देंगे जिंजर गार्लिक का पेस्ट, एंड 2 टेबल स्पून हम डाल देंगे ग्रीन चिल्ली पेस्ट क्रश की हुई। अगर आप तीखा कम खाते हो तो आप प्लीज़ कम डालना। यहाँ पर हम डाल देंगे 1/2 टेबल स्पून टर्मरिक पाउडर, 1/2 टेबल स्पून धनिया पाउडर, एंड 1/2 टेबल स्पून डाल देंगे जीरा मसाला, और इन सभी को हम अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे, अच्छी तरीके से सॉटे करेंगे। जितना हम उसके भूनेंगे ना उतना उसका इतना अच्छा टेस्ट आएगा। तो आपको जितना कंटिन्यूसली आप भूनोगे उतना अच्छा है। तो यहाँ पर हम कीमे के अंदर ऐड कर देंगे 1/2 टेबल स्पून गरम मसाला, एंड 1/2 टेबल स्पून ब्लैक पेपर, और साथ ही हम ऐड कर देंगे मैं पूरी एक अखी पैकेट ऐड कर रही हूँ, एंड इसको हम अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। इसको 2 से 3 मिनट्स के लिए कुक होने रख देंगे। और कीमा देखिए यहाँ पर अच्छी तरीके से पक चुका है। अब हम इसके अंदर डालेंगे स्प्रिंग ऑनियन। स्प्रिंग ऑनियन को अच्छी तरीके से हम मिक्स कर देंगे, और जब तक वो गल नहीं जाता तब तक हम उसे पकाएंगे। तो 5 से 10 मिनट हम उसे अच्छी तरीके से कुक कर लेंगे। तो देखिए यहाँ पर अच्छी तरीके से जो हमारा स्टफ है कीमे समोसे का, वो अच्छी तरीके से रेडी हो चुका है। इसे हम अभी ठंडा होने रख देंगे। और यहाँ पर देखिए मैंने रेडीमेड पट्टी लिया हुआ है कीमे समोसे का, सॉरी समोसे का। तो यहाँ पर हम वो पट्टी ले लेंगे, एंड एक तरफ हमें फोल्ड करना है, फिर दूसरी तरफ हमें फोल्ड करना है, फिर उसके अंदर हमें जो कीमा का स्टफ बनाया है उसे हमें डाल देना है उस पट्टी पे, और उसको रिटर्न से एक और साइड फोल्ड कर देना है। आप हाथों पे ध्यान दीजिएगा, आपको ज़रूर आएगा ये। और यहाँ पर देखिए जो घोल दिख रहा है डो का, उसके अंदर ना मैंने पानी के अंदर मैंने कुछ कॉर्नफ्लावर डाला हुआ है, और उसको अच्छी तरीके से मिक्स कर लिया है। तो आपका डो रेडी हो जाएगा, वो अच्छी तरीके से डो भी स्टिक हो जाता है, तो आप इससे भी यूज़ कर सकते हो। देखिए यहाँ पर हमारा एक समोसा रेडी हो चुका है, ऐसे ही मैं आपको दूसरा भी बताती हूँ। देखिए हमें सबसे पहले 2 साइड फोल्ड करना है अच्छी तरीके से, फिर हम इसके अंदर ऐड करना है जो भी हमारा स्टफ है वो। आप इसके अंदर चाहो तो चीज़ डाल सकते हो, या फिर कुछ और भी स्टफ़ डाल सकते हो आप इसके अंदर जो आपको बहुत पसंद है। और यहाँ पर सेम वैसे ही रिटर्न से पलटी कर देना है, और इसके अंदर में लगाना है वो डो, और इसको अच्छी तरीके से हमें स्टिक कर देना है। साइड साइड में नहीं लगाया तो हमें उसे अच्छी तरीके से लगा के स्टिक कर देना है। तो देखिए यहाँ पर हमारा दूसरा समोसा भी है जो अच्छी तरीके से रेडी हो चुका है। ऐसे ही हम बहुत सारे समोसे बना लेंगे। तो देखिए यहाँ पर हमारा ऑयल गर्म हो चुका है, अब हम इसके अंदर डाल देंगे समोसा। समोसा मैंने एक कढ़ाई में 5 से कुछ 6 ही डाला है, क्योंकि जब हम उसे पलटी करेंगे तो अच्छे तरीके से वो पलटी भी नहीं होगा और फ्राई भी अच्छे तरीके से नहीं होगा। तो एक तरफ में 4 से 5 मिनट्स फ्राई करने के बाद में हमें दूसरी तरफ उसे पलट लेना है, एंड दूसरी तरफ भी हमें उसे अच्छी तरीके से फ्राई कर लेना है। तो देखिए यहाँ पर हमारा कीमा समोसा है जो वो रेडी हो चुका है। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आए सो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना, एंड हिट द बेल आइकन ऑल्सो। तो चलिए मिलते एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।